कल इस टीवी के पॉपुलर शो सभी की सवारी में आप सभी ने देखा कि नित्यम को बचाने के चक्कर में रक्षम की जान खतरे में हो जाती है। वहीं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां अब रक्षम को होश आ गया है और सभी घर वाले उससे मिलने के लिए रूम में आते हैं। रक्षम अपनी माँ से बात करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रक्षम को इस हालत में देख कर नित्यम काफी ही इमोशनल हो जाते हैं। रक्षम नित्यम का हालचाल लेते हैं और दोनों भाई के बीच में इमोशनल मोमेंट देखने मिलेगा। अरे बहुत, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग हमेशा बोलते हैं, और जब भी हमें फैंस कहीं भी मिलते हैं, मैं छोटे से रिएक्शन से भी नोटिस कर लेता हूँ, गाड़ी वाड़ी रोक के या जहाँ भी होता हूँ तो मैं ऐसा ट्रीट करता हूँ। डेफिनेटली ये भी ऐसी करती हैं, तो हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हमको बहुत अच्छा फील होता है जब लोग आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं, हमारे कोलाजेस बना के, हमारी रील एडिट करके, हमारे फोटोज डाल के। यूट्यूब पर जाकर जो सारे हमारे इंटरव्यूज है जो आप लोग पोस्ट करते हो, हम कमेंट सेक्शन भी रीड करते हैं। डेफिनेटली हम करते हैं। आप अपना मैसेज दोगे, आप चाहोगे हम कुछ करना, हमसे कुछ करना। जैसे इनके लिए एक सजेशन आया कि इन्होंने आज तक ब्लैक साड़ी नहीं पहनी है, तो इन्होंने आगे तक वो बात पहुँचा दी है। तो हम हर एक मुद्दे पर, हम बहुत पसेसिव हैं अपने शो के लिए, हम बहुत प्यार करते हैं उससे, बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, तो हम क्योंकि ऑडियंस के लिए हैं, ठीक है, तो हम हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं। एट द एंड ऑडियंस के लिए ही तो हम शो बना रहे हैं ना, तो वो खुश तो हम खुश, हम खुश तो सब खुश। देखिए अभी तो यही देखिए आप कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सबसे पहले रेजिग्नेशन मांगा है नित्यम दालमिया से, तो इसके बाद क्या होता है इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज फरमान हैदर, दिस इज समृद्धि शुक्ला, यू आर वाचिंग अस ऑन IWM बस।